अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। और रमज़ान शुरू होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो रमज़ान की तैयारियां भी चल रही है एक तरफ। और आज मैं एक व्लॉग जो बना रही हूं, उसमें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरी बटर चिकन की रेसिपी। वैसे तो कई लोग इसे अपने अपने तरीके से बनाते हैं, काफ़ी सारे इसके वर्जन्स हैं, तो मैं आपसे जो है वो मेरा तरीका शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से ये बटर चिकन बनाती हूँ, जो मेरी फैमिली को भी पसंद आती है और बहुत ही यमी बनती है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं बटर चिकन की रेसिपी। बहुत ही यमी बनती है, ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। उसके लिए चिकन में मैंने ऑलरेडी लेमन जूस ऐड कर दिया था, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है थिक योगर्ट। थिक योगर्ट ही यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने कम से कम 1-1.5 टीस्पून यूज़ किया है। उसके बाद हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद मैं यूज़ करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं करूँगी, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्ची जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड की है। अब इसके अंदर जाएगा ये ज़ीरा पाउडर और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे नमक। अब ये सब पाउडर्ड मसाले डालने के बाद इस चिकन को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 30 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ेंगे तभी ही चिकन जो है वो फ्लेवर्स एब्जॉर्ब करेगा और बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन बनेगी। और इसके साथ साथ मैं अभी धुआं भी दूंगी कोयले का, तो उसके लिए ये ले लिया है मैंने फॉइल। कोयले का धुआं भी आप जब तक इसको मैरिनेट करेंगे तब तक आप वो जो ढक्कन आप कवर करके रखेंगे वो कवर करके ही रखिएगा, उसे ओपन मत करिएगा। तो ये देखिए कोयले का धुआं दूंगी और अब मैं इसे ढककर रख दूंगी साइड पर 30 मिनट्स के लिए। अब आ जाते हैं जो हम सॉस बनाते हैं बटर चिकन के लिए उसकी तरफ। तो कढ़ाई ले ली थी मैंने, उसमें ज़ीरा ऐड किया, अनियंस ऐड किए, अनियंस को थोड़ा सा मैंने ट्रांसलूसेंट होने के लिए छोड़ा, फिर काजू और टमाटर को ऐड किया। अब काजू और टमाटर ऐड करने के बाद भी इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ना है जब तक कि ये सारी चीज़ें सॉगी और सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 होल रेड चिलीज़ भी ऐड किए थे फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड कलर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोई फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए अब जब तक वो पकता है, चिकन को मैरिनेट होके 30 मिनट्स हो चुके थे, तो अब मैं इसे पैन में डाल रही हूँ। और पैन में डालने के बाद इसे मैं कवर नहीं करूँगी, खुला पकाऊँगी उसको, कोई ढक्कन नहीं ढाकूँगी इसके ऊपर, और हाई फ्लेम पे पकाऊँगी ताकि पानी भी एब्जॉर्ब होता जाए और चिकन पे जो कलर आता है वो भी आता जाए और चिकन गलती भी जाए। 70% आई थिंक चिकन कुक हो जाएगी इस तरह। अब ये जो सॉस मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छा सॉगी हो चुका है, तो मैं इसका एक अच्छा पेस्ट बना लूँगी मिक्सर में डाल के। तो ये देखिए मैंने मिक्सर में ऐड कर दिया है, पेस्ट भी बना लिया और स्ट्रेन भी कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद आपको इस तरह का जो है कुछ पेस्ट मिलेगा, ये सिल्की और स्मूथ रहेगा एकदम। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बटर चिकन एकदम वेलवेटी सॉफ्ट बने। अब यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है बटर, क्योंकि बटर चिकन है तो नो ऑयल, ओनली बटर, बटर में ही बनेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को मैं बटर में बहुत अच्छे से सॉटे करूँगी जब तक कि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म ना हो जाए। फिर आपके पास जो भी है तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला या बटर चिकन मसाला, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मेरे पास जो है वो तंदूरी मसाला था, तो मैंने इसके अंदर चिकन तंदूरी मसाला ऐड किया है। और इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे। अब मसाले जल ना जाए इसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और फिर मसालों को भूनना शुरू करूँगी। अब हम इसके अंदर थोड़े पाउडर्ड मसाले भी डालेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर, उसको भी डाल के मैं बहुत अच्छे से भूनूँगी। और उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये देखिए ज़ीरा पाउडर। और इन सब पाउडर्ड मसाले को मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन में भी नमक था तो इसमें थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे। और इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे।
भूनते जाएंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप पानी डालकर भी इसे भून सकते हैं, लेकिन जो ये जो मसाले हैं पाउडर्ड मसाले, इसके कोई कच्ची स्मेल नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने होल गरम मसाला यूज़ नहीं किया था वो प्यूरी बनाने के टाइम पे, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है वो गरम मसाला पाउडर, और साथ में 1 टीस्पून चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, बटर चिकन थोड़ी सी मीठी होती है इसलिए थोड़ा सा शुगर, और साथ में कस्तूरी मेथी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बटर चिकन में। अब ये सब अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो पेस्ट हमने बनाया था, और वो पेस्ट बनाने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। तो जब तक हमारा चिकन भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छे से पानी भी एब्जॉर्ब हो गया है और 70% तक ये चिकन गल भी गया है। तो ये चिकन को मैं ऐड कर दूंगी इस पेस्ट के अंदर, और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद इसको ढककर मैं पकाऊंगी, क्योंकि चिकन अभी 30% गलना बाकी है। तो 30% जब चिकन गल जाए तो कुछ इस तरह से आपकी ग्रेवी लगेगी, बहुत खुशबूदार और यमी, और साथ में ऐड करेंगे क्रीम, और बस बटर चिकन इज़ रेडी। बहुत ही यमी बनी है। अब मेरा बेटा आपको देगा बटर चिकन खाने के बाद उसका रिएक्शन, देखते हैं क्या है उसका रिएक्शन। तो चलिए टेस्ट टेस्ट हो जाए। तो ये पहले मेरा बेटा चखेगा कैसा बना है और आपको बताएगा। कितना अच्छा है, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। सच? एक और? हाँ रेस्टोरेंट से भी अच्छा? हाँ वो थोड़ा स्पाइसी है। Out of 10। कि आपने देखा कि मेरी मेहनत तो हो गई है वसूल, क्योंकि मेरे बेटे ने इसे 10/10 दे दिया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, और आई एम श्योर कि आपके घर में भी बनती होगी, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कभी ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर कि आपके फैमिली मेंबर्स को और खास करके बच्चों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ठीक है, मिलूंगी आपसे नए वीडियो या ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।